लिए देखें मसाज आए हुए हैं आप चिकन पकौड़े बनवाने के लिए, तो इंशाल्लाह जैसे चिकन पकौड़े बनाते हैं उनकी वीडियो इसके साथ मैं अटैच कर दूँगा, आप इंजॉय करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें हमारे चिकन पकौड़े जो हमारे इलाके के मशहूर के बहुत बेहद मशहूर हैं। ये देखें आप मंताज भाई बना रहे हैं, ये देखें ये देखें बेहद टेस्टी है। तो आप वहीं से गुजारिश है जो बिहारी से हैं मेलसी से हैं एक दफ़ा ज़रूर मशहूर का रुख करें, इस तरह बहुत टेस्टी है। जगह मैंने शहरों में भी देखा है लेकिन वो कॉस्टली देते हैं 500 रुपये 600 रुपये किलो, लेकिन इसकी आपको प्राइस बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और इतना 400 रुपये के जी बहुत ही कम दाम है, लेकिन बहुत ही हुनेस्ट होकर ये काम मुमताज़ भाई काम कर रहे हैं, तो मैं तो दिल की गहराई से इनको सल्यूट करूँगा। तो हर जो आदमी है गरीब आदमी उसकी भी रेंज में है। की लाइनें लग जाती हैं इंशाल्लाह, अभी तो लोग छुट्टी होने वाली है, छुट्टी तो नहीं है आज तो संडे है, छुट्टी किसकी नहीं है। देखें आप माशाल्लाह लोग देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये देखें। और इनके जो चिकन समोसे पकौड़े समोसे हैं आप सिटी में 20 रुपये 25 रुपये से कम नहीं मिलता, ये ओनली ओनली 15 रुपये का है। आप इसको एक दफ़ा टेस्ट करेंगे तो आप भूल जाएंगे जो भी समोसे आपने कभी कहीं से खाए भी होंगे। और एक और दूसरी बात आपको बताता चलो, इनकी जो चटनी है ना वो भी मिसाल है चटनी है। ये आप देखें समोसे इनके लाजवाब चटनी कमाल की है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें एक दफ़ा इनको फ्राई करने के बाद दूसरी दफ़ा फिर इनको ये फ्राई करेंगे, और चटनी के साथ गर्मियों में इनका जो कुल्फा होता है मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना। तो ये सारी इस मेहनत के पीछे ना मुमताज़ भाई का 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनकी लाइफ। ये इन्होंने छोटी सी रेड़ी से काम स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितनी मेहनत के साथ इस बंदे ने काम किया है, तो आज ये देखिए अच्छे खासे मकाम पर है। ये देखिए ये स्पेशल चटनी जो है स्पेशली बना के देते हैं, ये चटनी इनके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत बनी पड़ी होती है। देखिए ये देखिए आप ये देखिए ये देखें स्पेशल जो कस्टमर है उनको स्पेशल तौर पर अलग से दही के साथ ये बना के देते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आप एक तो बस याद करेंगे इंशाल्लाह, ये देखें आप काफ़ी पड़ी है मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ नसीबी है, हमारे नुशे की कुछ नसीबी है कि हमें बाहर दूर जाना नहीं जाना पड़ता। जैसे हेड इस्लाम है सैफन है वहाँ पे लोग फ़िश खाने चले जाती हैं, लेकिन हमें घर में ही ये सहूलियात मिल गई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई का।